welcome back to my channel. This is me, Apurva, and I hope you all are doing good and safe. Guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने एक मसाजर जो कि आपकी स्किन को बना देगा स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड बिल्कुल ही क्लीन. मतलब डीप क्लिनजिंग करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है. हफ्ते में एक बार आप क्लिनजिंग करते हो आप या फिर अपना क्लीन अप करते हो अपने फेस का, तो आई थिंक आपके लिए ये प्रोडक्ट होना मस्ट है क्योंकि ये है एक मसाजर और ये है डी मार्क का मसाजर. चूँकि मैं पिछले 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ अपनी क्लिनजिंग के लिए. बहुत सारे लोग हफ्ते में एक बार अपने फेस को डीप क्लिनज करना चाहते हैं पार्लर में पैसे वेस्ट ना करके. क्यों ना हम घर बैठे ही अपना डीप क्लिनज कर लें, अपनी फेस को क्लीन अप कर लें. और ये आप एक्चुअली में हफ्ते में एक बार नहीं, आप हर रोज़ कर सकते हो बिना किसी झंझट के. तो एक सिंपल से स्टेप और आपके लिए हमेशा आराम हो जाएगी, आपकी स्किन क्लिनज हो जाएगी. आप जैसे चाहते हो आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ एंड क्लिनज हो सकती है जस्ट 2 स्टेप्स में. एंड मैं बताऊँगी यहाँ पे कैसे. और इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरी स्किन के बारे में पूछा था, मेरे स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछा था, तो मेरा स्किन केयर रूटीन जल्दी आने वाला है. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले. और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा. एंड गाइस, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं तो मैं इसका एक डेमो भी दूंगी आपको. इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी खर्च नहीं होने वाली है आपकी. प्राइस क्या है तो गाइस ये जस्ट 350 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको. आप कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो, आप मार्केट से भी इसको ले सकते हो और ये ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको. ये आई थिंक आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही वेबसाइट पर से आता है. आपको ये 5 अटैचमेंट्स मिलते हैं और इसे आप इनके अलग अलग वर्क्स हैं तो मैं बता दूंगी कि आप इसे क्या क्या कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि हाउ टू यूज़. इससे पहले हम इसका मसाजर लेते हैं. तो ये सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे ये है कुछ इस तरीके का. एंड ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हैंडली है और देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है. आप देख सकते हो वाइट एंड पिंक में आता है. और ये इसका जो फर्स्ट अटैचमेंट है वो कुछ इस तरीके का है एंड राउंड में है. सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है और ये आपके फेस को मसाज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इसका फर्स्ट अटैचमेंट है एंड इसके 4 और अटैचमेंट्स आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये आपकी फाउंडेशन ब्लेंड करने का काम करता है बट ये इतनी अच्छा सा वर्क नहीं करता है इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती. सेकेंड आता है ये आ रही में. मैं पढ़ के आपको बताऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. बट बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि इसका वर्क क्या है. तो ये आपके फेस को वॉश करने के काम आता है, आपकी फेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लींस कर देता है. अगर आप डेली बेसिस में फेस वॉश से अगर आप इसको अटैच करके इसमें फेस को वॉश करते हो तो काफ़ी ज़्यादा डीप क्लींजिंग आपको मिलती है इससे. एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इसको बहुत ज़्यादा डेली बेसिस में यूज़ भी करती हूँ. डेली रात में इसको सोने से पहले इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ. जब मैं अपना फेस को वॉश करती हूँ तब मैं इसी का यूज़ करती हूँ. एंड इसमें यहाँ पे इस जगह पे शिफ्ट हो जाता है और बहुत ही इजीली ये वर्क करता है. इसका ये थर्ड है, ये कुछ इस तरीके का पिंक एंड वाइट में है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड ये वाला जो अटैचमेंट है आपकी जो ड्राई स्किन होती है, जो आपके एल्बो होते हैं, आपकी जो नीज़ होती हैं या फिर जहाँ पे भी ड्राई सी स्किन होती है उसको क्योर करने में ये हेल्प करता है. एंड जो ड्राई स्किन होती है वो आपकी इससे निकल जाती है और जो आपकी न्यू स्किन होती है वो आ जाती है. सो ये कुछ इस तरीके का टाइट सा है, थोड़ा सा टाइट है. इसका जो फोर्थ है ये फेशियल ऑयल वाला है जो कि आप फेशियल ऑयल या मसाज क्रीम आप फेस पे लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड जो ये फिफ्थ वाला है ये ख़राब हो चुका है, टोटली वेस्ट हो चुका है. यहाँ पे एक सॉफ्ट स्पंज था बट वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है. तो उसका कोई डैमो करके दिखाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है. तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे 2 सेल पड़ते हैं. यहाँ पे आप कोई से भी सेल डाल सकते हो. यहाँ पे इस तरीके से सेल आते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ. सो ये यहाँ पे मैंने 2 सेल डाल लिए हैं. आप इसको रिचार्ज भी कर सकते हो, चार्जेबल वाला चार्जर पोर्ट है तो फिर आप इसको रिचार्ज भी कर सकते हो. मैं इसको रिचार्ज ही करती हूँ. बटन दिया हुआ है जिसपे आप इसको ऑन कर सकते हैं एंड ये कुछ इस तरीके से चलने लगेगा. गाइज आप देख लो, सो गाइज ये कुछ इस तरीके से चलता है. एंड आप अगर हाई चाहते हो तो यहाँ पे एक और कर दो तो ये थोड़ा सा हाई हो जाएगा. एंड आप देख सकते हो कितना हाई चल रहा हुआ है. सो अभी हम इसको बंद कर देंगे. इसका काम क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी. पहले अभी इससे मैं अपने फेस को कर लेती हूँ वॉश और आपको दिखा देती हूँ कि कैसा काम करता है ये. सो ये बहुत ही ईजिली निकल जाता है, बस जस्ट इसको थोड़ा सा पुश करना है. एंड और अभी हम ले लेंगे ये वाला और इसको इसमें अटैच करती हूँ और जस्ट हो गया. ये कुछ इस तरीके से अब होने लगा है.
तो अभी हम देखते हैं कि इसका वर्क कैसा है। तो गाइस इसका वर्क देखने से पहले मुझे अपने फेस को थोड़ा सा वेट करना होगा, इस पर फेस वॉश लेना होगा। मैं अपने बालों को टाई अप कर लेती हूँ बिकॉज फेस को वॉश करना है तो टाई अप करना बहुत ज़रूरी है। सो या मैं अपने फेस को ऐसे ही क्लींस करूँगी बिना किसी बिना किसी मेकअप रिमूवर के, मैं ऐसे ही इसको क्लींस कर लूँगी। सो देखते हैं। तो आप मैंने अपने फेस को वेट कर लिया है और अभी मैंने फेस को अप्लाई कर लिया है फेस वॉश अपने फेस पे, और जस्ट इस तरह से मैं अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद मैं सीधा मसाजर को यूज़ करने वाली हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो बटन है उसको मैं ऑन करने वाली हूँ और ये ऑन हो गया। और अभी हम पहले स्लो पे रखेंगे, उसके बाद वो हाई पे करने जाएंगे। सो इस तरह से मैं अपने फेस को मसाज कर रही हूँ अपने फेस पे, एंड इससे भी फेस को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग मिलता है। और आपको मेरे फेस पे बिल्कुल भी फेस वॉश नहीं लग रहा होगा कि मैंने फेस वॉश को अप्लाई किया, क्योंकि बिल्कुल भी फोम नहीं बन रहा है बिकॉज गुड वाइब्स का फेस वॉश यूज़ किया हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा फोम नहीं बनती। और मेरी स्किन है नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन, दैट्स वाई मैं ऐसे फेस वॉशेज यूज़ करती हूँ जो बहुत ज़्यादा जिसमें फोम नहीं बनती। पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग दे रहा है। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो बच्चा खुचा जो मेकअप था इसने वो कितने अच्छे से रिमूव हुए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा। सो ये ब्रशेस पे लगा हुआ है हल्का सा, ये बिल्कुल वाइट थे ब्रशेस एंड ये बिल्कुल वाइट थे ब्रशेस, लेकिन अभी ये थोड़े से पिंकिश लग रहे होंगे आपको। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा क्योंकि ये डीप क्लींस करता है आपकी स्किन को। सो दैट्स वाई है इसके ऊपर थोड़ा बहुत सा जो रह गया था। और अभी मैं इसको अच्छे से फेस को अपने वॉश करके आती हूँ और फिर हम बताएंगे कि कैसे करते हैं अपने स्किन के ऊपर मसाज फेशियल ऑयल के साथ। सो गाइस आप देख सकते हो कि इसने मेरे स्किन को कितने अच्छे से डीप क्लींस कर दिया है एंड ये बहुत ही अच्छे से इसने क्लींस किया हुआ है मेरे फेस को। यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स लूँगी एंड ये कुछ इस तरीके से डालेंगे हम फेस पे। मैं अप्लाई कर रही हूँ, ऑन करते हैं। सी गाइस कितना ये जेंटल है आपकी स्किन पे, इवन आपकी जो आई एरिया होते हैं ना वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा जेंटल रहता है। लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल तभी रहना चाहिए बिकॉज आईज़ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। सो गाइस ये हो गया एंड आप इसको ऑफ कर देंगे और अभी आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे कितने अच्छे से ये ग्लो कर रहा है, मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास ये है एंड इसकी हेल्प से ना मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा कूल काम एंड प्लम्पी लग रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। दिन भर की ऑफिस की थकान के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है कि मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे और ग्लो भी बहुत अच्छे से कर रहा है। और ये वो सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यू एंड मैं डेली रात में इसको यूज़ करती हूँ और आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्लम्पी लग रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कितनी प्लम्पी सी लग रही है, एकदम क्लीन और प्लम्पी लगती है आपकी स्किन इसको यूज़ करने के बाद। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए, खुद का ख्याल रखिए एंड बी सेफ एंड बी केयरफुल।